हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ जावा। सो अगले कुछ 2-3 लेक्चर्स हम फीचर्स एंड आर्किटेक्चर ही कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा आज का पहला टॉपिक है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। बेसिकली ये दोनों किस काम के लिए आते हैं? ये दोनों हमारे जो हम कोड लिखते हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसको ट्रांसलेटर्स भी बोलते हैं हम, बिकॉज ये ट्रांसलेट करते हैं हमारे कोड को मशीन कोड में। सो अब हम देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो मेनली इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये सारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। जैसे कि हमारे पास 3 लाइन का अगर कोई प्रोग्राम है तो ये पहले लाइन को रीड करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे को रीड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरे को करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। सो इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन रीड करता है। एंड कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हमारा सारे कोड को एक साथ रीड कर रहा है। जैसे कि हमारे पास अगर 3 लाइन का कोड है तो ये सारे कोड को एक साथ कंपाइल करके एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ये हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर का पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम इंटरप्रेट कर रहा है किसी भी लैंग्वेज को, जैसे कि C++ में हो रहा है, सो हम जितने बार भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे उतने बार इंटरप्रेटर कॉल होगा। यानी कि अगर हम एक बार अगर प्रोग्राम को रन किए तो एक बार इंटरप्रेटर कॉल होगा, फिर दूसरी बार होगा, दूसरी बार रन करेंगे तो, फिर तीसरी बार होगा, तीसरी बार रन करेंगे तो। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है कि एक बार कंपाइल होने के बाद हम कितनी बार भी अगर रन करेंगे प्रोग्राम को तो वो कंपाइल नहीं होगा क्योंकि वो एक बार हो चुका है। तो ये हमारा मेन सेकेंड डिफरेंस है कि जब भी हमको इंटरप्रेटर से काम करते हैं तो वो हर बार कॉल होगा जब हम जितने बार रन करेंगे, लेकिन कंपाइलर ऐसा नहीं करता है। एंड द थर्ड डिफरेंस, जैसे कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है कि पहला लाइन रीड किया, दूसरा किया, और अगर हमको सेकेंड लाइन के यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाता है तो वो पहला लाइन रीड करके एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड लाइन को यहाँ तक रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमको यहाँ पे एरर शो करेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि वो पहला लाइन रीड करेगा, अगर सेकंड में उसको यहाँ पे एरर है फिर यहाँ आके वो रुक जाएगा, हमको पहले ही एरर शो कर देगा बिना कंपाइल करे, ताकि हम इस एरर को रिजॉल्व करें और ये सारा कोड एक बार में ही यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दे। सो हमारा मेन डिफरेंसेस क्या हुआ? हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है, कंपाइलर हमारा ऑल एट वंस करता है। हमारा इंटरप्रेटर को जब भी एरर मिलेगा जहां पे भी, वो उसके पहले तक सारा एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद का वो एरर शो करेगा। लेकिन कंपाइलर में जहां भी हम लिखेंगे वहां पे वो एरर शो करेगा और बिना एग्जीक्यूट करे ही शो करेगा। और थर्ड डिफरेंस है कि हम जितने बार भी रन करेंगे उतने बार का इंटरप्रेटर कॉल होगा, लेकिन कंपाइलर सिर्फ एक बार कॉल होगा रन करते रहेंगे। सो अब हम देखते हैं कि जावा काम कैसा करता है। हमको सबसे पहले ये जानना है कि जावा एक हाइब्रिड लैंग्वेज है, ना ही वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है और ना ही वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। सो हमारे पास फर्स्ट डॉट जावा नाम की एक अगर फाइल है तो फर्स्ट डॉट जावा क्या होगा कि जावा सी जो जावा का कंपाइलर है, हम अगर इसको रन करते हैं जावा सी फर्स्ट डॉट जावा लिख के, तो वो डॉट क्लास फाइल में कंपाइल हो जाएगी, फिर डॉट क्लास फाइल जाएगी जेवीएम के पास, और जेवीएम का जो हमारा इंटरप्रेटर है जावा फर्स्ट, हमने ये पहले लेक्चर्स में एग्जीक्यूट करके देखा हुआ है कि जावा फर्स्ट को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं जो हमारा इंटरप्रेटर होता है जेवीएम के अंदर, वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंड करके उसको रन करता है। सो ये जावा हमारा इंटरप्रेटर है और ये जावा सी हमारा कंपाइलर है। सो हमारा जावा वर्क ऐसे करता है कि वो कंपाइल भी करता है और इंटरप्रेट भी करता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम आगे की वीडियोस में फीचर्स एंड आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सो इस प्लेलिस्ट में बने रहिए।